नमस्कार। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपने अपना माइंडसेट बना ही लिया होगा अभी तक तो। काफ़ी बातें दिलीप सर आपको बता चुके हैं और बहुत बेसिक बेसिक चीज़ें जो आपको पढ़नी चाहिए और नहीं पढ़नी चाहिए वो भी आपको बता चुके हैं। मैं यहाँ पर मेरे जो एक्सपीरियंस थे, जो प्रिलिम्स की तैयारी के दौरान मेरे जो एक्सपीरियंस थे और जो मैंने यहाँ से सीखा और जो यहाँ से मुझे एडवांटेज हुआ वो मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहले तो एक बात मैं बता दूँ कि मैं बीटेक बैकग्राउंड से थी और मैंने यहाँ पर जब पढ़ाई स्टार्ट की तो मैंने एकदम स्क्रैच से स्टार्ट की थी, मतलब ज़ीरो से स्टार्ट की थी। और ज़ीरो से आप समझ सकते हैं कि प्रिलिम्स के जस्ट पहले वाला बैच ज्वाइन करना और फिर उसके बाद में उसको परस्यू करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन आपको समझ में आएगा यहाँ पर जब पढ़ाया जाता है और वो जो चीज़ें हैं वो आप अच्छे से एग्जाम में रिटेन कर पाते हैं। कुछ चीज़ें हैं जैसे मैं ये आशा करती हूँ आप लोगों से कि आप लोगों ने सिलेबस तो एटलीस्ट अभी पढ़ ही लिया होगा, और पढ़ा भी नहीं तो एटलीस्ट उसका प्रिंट आउट तो आपने ले ही लिया होगा। और आपके दिमाग में एक क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पर जो पढ़ाया जा रहा है वो सिलेबस के अनुरूप है। कुछ चीजें हैं जिनको आप अवॉइड कर सकते हैं। अवॉइड करने के लिए मैं कहती हूँ कि सिलेबस के बाहर ना जाएं। अभी तो जो सिलेबस आया है वो काफी डिटेल्ड भी आया है, तो सिलेबस के पॉइंट टू पॉइंट जैसा यहाँ पढ़ाया जा रहा है उसको पढ़ते रहें, उसको रिवाइज करते रहें। दूसरी चीज मैं कहूंगी, रिसर्च ना करें, पीएचडी ना करें किसी भी सब्जेक्ट पे, क्योंकि यहाँ पर आप जर्नलिस्ट बनने की तैयारी कर रहे हैं और आपको यहाँ पर स्पेशलिस्ट बनने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अपनी जो भी डाउट्स हैं टीचर से पूछिए और अपने पीयर ग्रुप्स में पूछिए, लेकिन उन डाउट्स को गूगल करके या रिसर्च करके उस पर अपना टाइम खराब ना करें। मीन्स का अभी कुछ भी ना पढ़ें, क्योंकि प्रीलिम्स के बाद में आपको पर्याप्त समय मिलेगा, अभी केवल प्री पर फोकस करें। एक बात मुझे याद आती है, जब मैं यहाँ पर प्रीलिम्स बैच में थी, मेरे घर से दूरी लगभग, अगर हम टाइम की बात करें तो 45 मिनट्स मुझे यहाँ से घर पहुँचने में और घर से आने में लगती है, तो मुझे 1.5 आवर लग जाता था। उस दौरान मैं मेट्रो से सफर करती थी और तब भी मैं मेरे नोट्स को जो है रिवाइज करती रहती थी, उस समय का सदुपयोग करती थी। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि जितना सा समय आपको मिल रहा है, क्योंकि हर इंसान को जिंदगी में 24 आवर्स ही मिलते हैं और वो 24 आवर्स को किस तरह से यूज करते हैं वो जीने की कला है। और आपके सामने तो अभी टारगेट है और 27-28 अक्टूबर जो भी डेट डिसाइड की गई है माननीय आरपीएससी द्वारा, उसको दिमाग में रखिए, उसको अपने रूम में कहीं चिपका लीजिए कि इस डेट को मुझे मेरा 100% वहां पर देना है। एक बहुत फेमस कोट है और मुझे बहुत पसंद भी है, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, चाह है तो राह है। हाँ, ये बात सही है कि समय थोड़ा कम है, लेकिन अब भी आपने अगर ठान लिया कि मुझे कुछ अचीव करना है, मुझे एसडीएम के पद पर अपना चयन करवाना है, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाना है, तो आई फील ये समय भी आपके लिए कम नहीं रहेगा। आप मेहनत कीजिए और अब कमर कस लीजिए, क्योंकि अब ये सोचने का समय नहीं है कि मुझे क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए। यहाँ पर दिए गए नोट्स और टीचर्स के द्वारा जो लेक्चर दिए जाते हैं वो मुझे लगता है काफी सफिशियंट रहेंगे आपके प्रिलिम्स को क्लियर करने के लिए, क्योंकि मैं ऐसा मानती हूँ, मैं बिल्कुल जिसे कहते हैं नेव स्टूडेंट थी। मुझे ना ज्योग्राफी के बारे में कुछ पता था, ना पॉलिटी, ना इकोनॉमी, हिस्ट्री, कुछ नहीं पता था। मैंने सब यहीं पर आकर सीखा और वो भी प्रीलिम्स से पहले ही। तो मैं आपको यही कहना चाहती हूँ, अभी आप क्या कर सकते हैं, तो अभी आप एक तो रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि रीजनिंग काफी इजी होती है
और लगभग 10 से 11 क्वेश्चन रीजनिंग के हमेशा आते हैं। दूसरा, शायद विकास सर ने आपकी क्लासेस ले भी ली होगी इकोनॉमिक सर्वे की, तो उसके जो डेटा है उससे डायरेक्टली क्वेश्चंस आपके प्रीलिम्स में आते हैं। उसमें जो जीएसडीपी के डेटा होते हैं या सेक्टर वाइज डेटा होते हैं, उनके जो क्वेश्चंस हैं, जो इकोनॉमिक सर्वे है उसके शुरू के पेजेस में ही आपको जो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर जो डेटा है वो आपको मिलेंगे, उनसे डायरेक्टली क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। और वो इतने स्कोरिंग होते हैं कि आपको केवल डेटा याद करना होता है और ऑप्शंस में से आपको एक टिक करना पड़ता है। तीसरी चीज मैं कहूंगी बजट। बजट की कुछ योजनाएं हैं जो आपको याद होनी चाहिए। अभी आप क्या कर सकते हैं, तो अभी रिवीजन पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें। रोज जो आप पढ़ रहे हैं वो आपको आपका रिवाइज्ड होना चाहिए। टिल डेट जो भी पढ़ाया गया है वो आपको कंठस्थ याद होना चाहिए। कंठस्थ भी नहीं तो अगर आपसे कोई पूछता है तो, क्योंकि ऑब्जेक्टिव एग्जाम है तो कुछ हिंट तो आपको क्वेश्चन से ही मिल जाएगा, तो मैं मानती हूं कि आपको हिंट मिल जाए तो आप उस क्वेश्चन का आंसर कर सकें इस स्टेज में आप अभी हो। अगर आपका सिलेबस पूरा नहीं हो पाया है या कुछ सब्जेक्ट्स हो पाए हैं तो उन सब्जेक्ट्स के मॉक्स या फिर टेस्ट अटेम्प्ट करें। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स को देखें कि जब अगर हम मान लीजिए राजस्थान हिस्ट्री या राजस्थान आर्ट एंड कल्चर अटेम्प्ट कर रहे हैं तो कितने क्वेश्चंस आपके सही हो पा रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस सही करने पर ध्यान दें। एक और बात, प्रीलिम्स में जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करें तो सबसे पहले उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें जो जिसमें आप सबसे ज्यादा श्योर हैं कि हाँ ये क्वेश्चन तो मुझे आता ही है। उसके बाद में जिनमें आप 50% या 75% श्योर हैं उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें। टेस्ट सीरीज दें, टेस्ट सीरीज के बाद में अपने आप को एनालाइज करें कि कौन से एरियाज आपके वीक हैं। कुछ चीजें होती है जैसे जब भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम की बात करते हैं तो या तो आपकी कोई सिली एरर हो रही होगी या फिर आपका कंटेंट कम है और उसको आपने रिवाइज नहीं किया, या फिर जो आप एलिमिनेशन मेथड अपना रहे हैं, एलिमिनेशन का मतलब कि जो ऑप्शंस हैं उसमें से जो ऑप्शंस हटा रहे हैं वो आपके कितने एक्यूरेट हैं इस पर डिपेंड करता है। सिली मिस्टेक्स आपकी मॉक टेस्ट सीरीज को या फिर जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स या जो भी क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर रहे हैं उनको सॉल्व करने से दूर होगी। फिर आती है कंटेंट की बात। कंटेंट की बात तो ये आप पर ही निर्भर करता है, आप रिवाइज करें, ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करने पर ध्यान दें। स्ट्रॉन्ग टॉपिक को और स्ट्रॉन्ग बनाएं और वीक को कम से कम एवरेज एवरेज आप लेकर आए। करंट अफेयर्स के लिए आप क्या कर सकते हैं, करंट अफेयर्स आपके पास में जो भी नोट्स मैगजीन या जो भी मटेरियल है उसको मल्टीपल रीडिंग्स करें और ये कोशिश करें कि उससे रिलेटेड स्टैटिक भी आपको याद है क्या। मान लीजिए थोड़े समय पहले एनएचआरसी में या जहां पर भी कोई अपॉइंटमेंट हुआ हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि एनएचआरसी में किस तरह से अपॉइंटमेंट किए जाते हैं, उसका क्या प्रोसीजर होता है, उसके लिए कौन सी कमेटी बनती है, तो ये सब चीजें आपके टिप्स पर होनी चाहिए। मेंस का कोई भी सब्जेक्ट अभी टच करने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। मेंस के लिए आपको काफी टाइम मिलेगा। प्रीलिम्स पर ध्यान दें और अगर मैं कर सकती हूँ, इफ आई कैन डू इट यू टू कैन डू इट, और ये कोई जिसे कहते हैं हरक्यूलियन टास्क नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप बिल्कुल अचीव कर सकते हैं, बिल्कुल आप प्रीलिम्स को क्लियर कर सकते हैं। जैसा कि दिलीप सर ने बताया कट ऑफ भी काफ़ी कम जाती है, हो सकता है इस बार ज़्यादा जाए रूल्स चेंज होने की वजह से, तो उसके लिए भी मुझे लगता है कि आप सफिशिएंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस अगर सॉल्व कर लेते हैं और उनमें नेगेटिव मार्किंग कम से कम होती है, मतलब आपके गलत कम से कम हुए हैं, तो आप प्रीलिम्स आराम से क्लियर कर सकते हैं। कम वेटेज के सब्जेक्ट्स को या फिर जिन सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस कम आते हैं उनको आप स्किप कर सकते हैं अभी के लिए। जैसे मैं बताऊं कि एंशियंट और मिडाइवल हिस्ट्री को आप स्किप कर सकते हैं,
एंशियंट और मिडाइवल टाइम के आर्ट एंड कल्चर और ये जैनिज्म जो भी भक्ति आंदोलन या जैनिज्म बुद्धिज्म और सूफिज्म ये जो है इनको आप एक बार देख लें क्योंकि इनसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। राजस्थान आपको कंप्लीट कवर करना है जैसा कि दिलीप सर ने भी बता दिया होगा। राजस्थान आपको राजस्थान हिस्ट्री ज्योग्राफी आर्ट एंड कल्चर और इकोनॉमी में करंट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, पॉलिटी में फैक्ट्स आते हैं, तो इन सबको आपको कवर करना है। ज्योग्राफी में बेसिकली एनर्जी बेस्ड क्वेश्चंस हैं और अगर हम बात करें इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी की तो मैच द फॉलोइंग टाइप के क्वेश्चंस हैं तो ये भी आते हैं। एक बात ध्यान रखिए कि ओवर कॉन्फिडेंट भी होने की जरूरत नहीं है क्योंकि जब आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं तो वहां पर असर्शन रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन या फिर जिसे कहते हैं स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन एनालिटिकल क्वेश्चंस भी वहां पर आएंगे, तो एकदम शांत मन से स्ट्रेस फ्री होकर उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। कोई जल्दबाजी नहीं है, काफी टाइम मिलता है क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए। मैं बस ये कहना चाहूंगी कि अभी आलस करने का बिल्कुल समय नहीं है। अपने टास्क को अपने टारगेट को प्रोक्रेस्टिनेट बिल्कुल ना करें, अपना जो भी प्रयास है उसको निरंतर रखें। एक भी दिन अगर आप छोड़ते हैं, एक भी दिन अगर आप स्किप करते हैं पढ़ना, तो मुझे लगता है उसका लॉस ट्रिपल या डबल टाइम्स आपको देखने को मिलेगा। अपने टारगेट्स के लिए एक्सक्यूजेस ना बनाएं, जो जिस दिन पूरा करना है उसको उसी दिन पूरा करें। और अभी टेंशन लेने का तो बिल्कुल टाइम नहीं है, अभी आपको बिल्कुल स्ट्रेस फ्री होकर अपने काम को पूरा करना है, अपने टारगेट को अचीव करना है कि एक दिन जब आप एसडीएम बन जाएंगे तो आपके पेरेंट्स आपको देखकर प्राउड फील करेंगे और वो मोमेंट आप यकीन मानिए वर्ल्ड का सबसे आपकी लाइफ का सबसे बेस्ट मोमेंट होगा। मैं इतना कहकर अपनी बात को विराम देती हूँ और ऑल द बेस्ट, खूब मेहनत कीजिए, खूब पढ़ाई कीजिए और मेक योर पेरेंट्स प्राउड वन डे। थैंक यू।